वेलकम बैक टू मी चैनल शॉपिंग कॉर्नर में शाली। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ले आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से कलेक्शन साड़ियों के। एंड ये साड़ियाँ बहुत ही अफोर्डेबल होने वाली हैं आपके रीसेंट में जो भी फेस्टिवल आने वाले हैं, खास करके करवा चौथ में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो। सो आप वीडियो देखिए, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एंड उधर ही आपको मेरा रेफरल लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप उसके थ्रू जाके परचेज करोगे इन साड़ियों को तो आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा मैक्सिमम, या फिर 30% का ऑफ मिल जाएगा ईच, मतलब एक किसी प्रोडक्ट पे। तो फटाफट से आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मीशो को डाउनलोड कर लीजिए एंड साड़ियों को परचेज कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। एंड एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब करके रखा। आई नो वो तो दिखता है मुझे, बट आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं किया, इसको थोड़ा सा प्लीज देखिएगा। बिकॉज इस टाइम पे रिसेंटली मैं जो भी वीडियोस डाल रही हूँ उसके व्यूज बहुत डाउन जा रहे हैं, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रही हूँ। सो आपके मोटिवेशन की अभी मुझे फिलहाल में बहुत सख्त जरूरत है। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, तो इतना तो बनता है कि आप थोड़ा सा मेरे लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि मेरे वीडियोस थोड़े से टॉप पे जाएं और मैं मोटिवेट फील करूं और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट करके लाऊं, या इससे भी अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करूं। सो आई होप कि आप थोड़ा सा हेल्प जरूर करोगे मुझे इस मैटर पे। बाकी मैं चाहती हूं कि हम और आप डेली बेसिस पे मिलते रहें। अभी तो रिसेंटली में क्या होता है ना कि मैं वीक में एक दो वीडियोस डालती हूँ, बट आई वांट कि मैं रेगुलर डेली बेसिस से आपसे मिलूँ। सो वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर, मैं चाहती हूँ कि डेली बेसिस पे मिलूँ। ये तभी पॉसिबल है जब मेरे वीडियोस थोड़े से रिच पहुँचेंगे, थोड़ा हाई व्यूज आएगा। बिकॉज जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है। सो उसमें से टाइम निकाल के अगर बंदा कुछ करता है एंड अगर वो सक्सेस नहीं होता है जितना उसको चाहिए, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है कभी कभी। सो आई होप कि इस बार आप मेरे को सपोर्ट करेंगे एंड मेरे वीडियो की रिच जो है थोड़ी सी हाई करेंगे। सो इन बातों को साइड रखते हुए अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का हॉल। सो मेरे पास फर्स्ट साड़ी है, दिस इज अ सिल्क साड़ी एंड इसकी जो प्राइस मैंने पे की थी अंडर 300 था। तो इसमें आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं एंड डिजाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट करके है। मैंने इसमें वाइन कलर पिक किया था, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। वैसे ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा था, बट मैंने करवा चौथ के पर्पज से लिया था इसलिए मैंने ब्लैक नहीं चूज किया। बाकी आप ऐसे अगर किसी फंक्शन में वियर करना चाहते हो तो इसके ब्लैक वाले के साथ जरूर जाना, वो बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी भी स्किन टोन के हो, कलर टोन के हो, वो जचेगा आप पे। सो इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, लाइट इन्होंने मेंशन किया था सिल्क, बट इट्स नॉट सिल्क, पर हाँ फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है एंड साइन भी अच्छा है। ड्रैप करने में इजी रहेगा ये वाला साड़ी, तो आप इसको ले सकते हो एंड जितना पे किया उसके हिसाब से तो पैसा वसूल फैब्रिक इन्होंने दिया है। सो इस तरीके का आंचल दिया हुआ है इन्होंने एंड फुल साड़ी में इन्होंने प्रिंट का ही बॉर्डर बनाया हुआ है, प्लस बीच बीच में आपको वाइन कलर के ऊपर ना गोल्डन कलर के इन्होंने बूटे बना के रखे हैं। फुल साड़ी आपको ऐसे ही जाने वाली है, बिल्कुल आपको ना ओरिजिनल सिल्क वाला लुक देने वाला है ये साड़ी एंड प्राइस भी बहुत कम पे किया है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। ऊपर एंड नीचे में दोनों साइड में आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल रहा है, लाइट ग्रीन कलर के कलर है इसका। एंड साथ ही में 5.5 मीटर की साड़ी रिसीव हुई है एंड इसके साथ मुझे इतना सारा ब्लाउज का फैब्रिक रिसीव हुआ है 80 सेंटीमीटर से, आई थिंक ये ज्यादा है। फुल प्रिंटेड इन्होंने ब्लाउज का फैब्रिक दिया है, बॉर्डर से मैच करता हुआ इस पे भी आपको ये फुल बूटे मिल रहे हैं। ऊपर की साइड में भी बॉर्डर है, नीचे के साइड में भी इसमें भी बॉर्डर रिसीव हुआ है, तो आप चाहो तो स्लिप पे इस बॉर्डर को डलवा सकते हो जब स्टिच करवाना, तो बहुत अच्छा सा लुक आएगा एंड फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में आपको बहुत इजी रहेगा। सो अगर आप करवा चौथ में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, रेड कलर भी था, पिंक भी था, सो आप अपने कलर च्वाइस के हिसाब से इसे परचेज कर लेना एंड अगर किसी और फंक्शन में पहनना है तो ब्लैक वाला जरूर लेना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये रहा मेरा फर्स्ट वाला, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट। जो मेरे पास नेक्स्ट साड़ी है, इसके लिए मैंने पे किया था 458 आई थिंक, मेंशन कर दूंगी मैं स्क्रीन पे, आप देख लेना।
इससे इन्होंने मेंशन किया था कि ये प्योर सिल्क है एंड बिलीव मी ये मतलब प्योर सिल्क जैसा ही है। मैं प्योर तो नहीं बोलूंगी क्योंकि इतने कम प्राइस में तो प्योर नहीं मिलेगा, बट यस आपको लुक ये बिल्कुल सिल्क वाला देने वाला है एंड बहुत ही प्यारा है। पता नहीं क्या हुआ है इस टाइम मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद आ रहा है। मैंने जितने भी रिसेंट में हॉल करने के लिए क्लॉथ परचेज किए ना उसमें आप सब मतलब हर एक हॉल में आपको ये पर्पल कलर देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे इस वाले साड़ी का रिव्यू। बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट फैब्रिक वाला सिल्क मटेरियल दिया है एंड शाइन बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो ना ये गोल्डन जरी का लुक दे रहा है एंड शाइन भी देखिए इसका, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की ये साड़ी मतलब अंडर बजट रिसीव हुआ है। इसमें भी आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं एंड पैकेजिंग में इन्होंने ये डाल वाल के दिया है अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया है। सो स्टार्ट करेंगे इसके पल्लू से। पल्लू का साइड आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा इन्होंने फुल गोल्डन थ्रेड के साथ वर्क किया हुआ है एंड पीछे के बैक साइड में भी देखो बिल्कुल धागे नहीं निकल रहे हैं इसके, निकलने वाले भी नहीं है एंड प्राइस जो मैंने पे किया ना उसके हिसाब से बहुत अच्छी साड़ी मिली है ये वाली मुझे। सो आप इस वाले के साथ जा सकते हो। ये रहा इसका आंचल प्लस बॉर्डर के साइड में इस तरीके का इन्होंने वर्क करके दिया है। बीच बीच में आपको साड़ी के बीच बीच में इस तरीके के अम्बी वाले डिजाइन मिलेंगे, फुल साड़ी के अंदर ये सेम डिजाइन आपको जाएगा। बहुत ही अमेजिंग सी साड़ी है मतलब गजब की लग रही है, पहनने पे तो बहुत अच्छी लगेगी। आप करवा चौथ के लिए अगर ये कलर नहीं प्रीफर करते हो, आपको माइंड में अगर ये है कि नहीं रेड ही वियर करना है या पिंक ही वियर करना है तो वो वाले भी ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसका कोड मैं दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना। इसके साथ जो ब्लाउज का फैब्रिक रिसीव हो रहा है ये इसी साड़ी में रनिंग दिया हुआ है। सो आप अपने, अच्छी बात है कि अगर आपकी बस साइज ज्यादा है तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसमें से कट करा के ब्लाउज स्टिच करा सकते हो। प्लस इन्होंने लास्ट में इस तरीके का एक हल्का सा बॉर्डर बना के दिया है, आपके स्लिप्स पे अटैच कराओ या बैक पे कोई डिजाइन क्रिएट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की ये वाली साड़ी रिसीव हुई है, पहनने के बाद देखना कितना प्यारा लगेगा एंड कलर भी थोड़ा सा यूनिक कलर है। इस टाइम थोड़ा सा मेरा बार बार दिमाग इन्हीं सब कलर्स पे जा रहा था तो मैंने इसे पिक किया था, तो बहुत अच्छी साड़ी रिसीव हुई है प्राइस के अकॉर्डिंग। अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट। सो गाइस जो नेक्स्ट वाली साड़ी है ये मीशो पे बहुत ट्रेंडिंग साड़ी है, मैंने इसे पिक किया। इसमें भी ढेर सारे कलर ऑप्शन है, अगर आप करवा चौथ पे सिल्क नहीं वियर करना चाहते हो, कुछ सॉफ्ट फैब्रिक में वियर करना चाहते हो तो ये वाली साड़ी बिल्कुल ले सकते हो। थोड़ी सी लहरिया प्रिंट के साथ भी दे रखी है इन्होंने, सो बहुत अमेजिंग है। अभी तक मैंने जो साड़ियाँ शो की है ना वो प्राइस के अकॉर्डिंग शो की है। सो इस जो सबसे कम थी वो मैंने पहले दिखा दी, अभी जो इस हॉल का जो सबसे महंगा वाला है वो ये है एंड इसके लिए मैंने पे किया था आई थिंक 515 रुपीज। सो ये उस हिसाब से ये वाली साड़ी बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है। इस तरीके का आपको फुल साड़ी में चारों तरफ बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर के ऊपर इन्होंने फॉल्स मिरर का वर्क करके रखा है, प्लस इसमें आपको थ्रेड का वर्क भी मिलेगा बॉर्डर के ऊपर एंड फैब्रिक क्वालिटी की मैं बात करूँ ना तो बहुत ही अच्छी फैब्रिक रिसीव हुई है, बहुत सॉफ्ट वाली फैब्रिक है, फ्लोई फ्लोई सा रहेगा ये वाला फैब्रिक एंड आपको इजी टू ड्रैप रहेगा, आप इजीली इसे वियर कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको चारों तरफ बॉर्डर रिसीव होगा, ये मैं आंचल के साइड का दिखा रही हूँ एंड उसके बाद से जहां से आप ड्रैप करते हो ऐसे प्लेन जाएगा प्रिंट के साथ ही फुल साड़ी में एंड इसके साथ जो रिसीव हो रहा है वो ब्लाउज का फैब्रिक रिसीव हो रहा है। बैंगलोरी सिल्क मटेरियल है, थोड़ा सा ब्लाउज फैब्रिक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, यस ब्लाउज का फैब्रिक थोड़ा सा कम है। अदर बाय द वे मतलब अगर आप बहुत हेल्दी नहीं हो तो आई थिंक बन जाएगा, हाँ कुछ इन्होंने ना डिजाइन करके दिया इस वजह से कम लग रहा है, अगर एक साथ होता तो शायद कम नहीं लगता। सो इन्होंने स्लीव्स के लिए यहाँ दिया है एंड इन्होंने फ्रंट के लिए दिया है, ठीक है एंड आई थिंक बैक के लिए दिया है सॉरी, एंड दोनों स्लीव्स के लिए दिया है एंड इसमें आप पता नहीं क्या क्या बनवा लोगे, आई डोंट नो, ये तो मास्टर साहब ही बताएंगे, मास्टर जी जो आपका स्टिच करेंगे वो बताएंगे। सो उनको ले जाके दिखाइएगा, आई होप कि बन जाएगा, अगर नहीं भी बनता है तो कोई इशू नहीं है, रेड कलर के साथ पेयर करना या फिर येलो कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करना ना बहुत अच्छा सा लुक आएगा इसका। सो बहुत ही प्यारी सी फैब्रिक क्वालिटी रिसीव हुई है इसकी
एंड नीचे के साइड में आपको लास्ट तक जहाँ से आप ड्रैपिंग स्टार्ट करते हो ना वहां तक इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, बस इतना थोड़ा सा ही छोड़ा है, तो इतना तो कॉमन है, छूटा रहता है। सो यहाँ से इन्होंने बॉर्डर दिया है। सो बहुत ही अमेजिंग सी ये वाली साड़ी भी रिसीव हुई है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको डेफिनेटली इस वाली को परचेज करना चाहिए। अगर डेली बेसिस पे भी आपको कोई साड़ी चाहिए ना, कि डेली अगर आप घर में पहनना चाहते हो या फिर मार्केट के लिए अगर कोई साड़ी लेना चाहते हो, तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सॉफ्ट फैब्रिक है इसका एंड पहनने में भी आपको बहुत ईजी रहेगा। सो गाइज, ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बार फिर से बोल रही हूँ, एंड वीडियोस को लाइक करिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा ये सारे वॉइस जो आ रहे हैं ना ये डेली बेसिस पे सुनने के लिए स्पेशली। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।